आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मशरक PHC में देर रात चाकूबाजी की घटना में घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी पहचान इलाज तरया थाना क्षेत्र के खराटी गांव निवासी अहमद कादर के 18 वर्षीय पुत्र राजा परवेज के रूप में हुई। मामले में घायल के परिजनों ने बताया कि राजा परवेज समेत गांव के ही 3 युवकों ने तरया बाजार अवस्थित अल्फाबेट कंप्यूटर से छपरा से अमृतसर का टिकट खरीदा, जो दिनांक 30 सितंबर 2020 की थी। वह खरीदे टिकट को लेकर समय से अपने घर से निकले एवं छपरा जंक्शन ट्रेन पकड़ लिए। छपरा में ही आरक्षित सीट पर पहले से ही कोई दूसरा पैसेंजर बैठा था। मामले में दोनों पक्षों ने एक ही सीट पर दावा ठोका। तब मामले में TT द्वारा टिकट जांच की गई तो पता चला कि टिकट पहले से ही बैठे यात्री की ही है। जांच के क्रम में TT ने बताया कि टिकट बचाने वाले ने फर्जी आधार और दूसरे की टिकट को प्रिंट कर दे दिया है। फिर तीनों लड़के बिना यात्रा किए ही घर लौट आए और दूसरे दिन उस दुकान पर टिकट वापस कर पैसे लेने के लिए गए। जैसे ही पैसे की बात की गई, वैसे ही दुकानदार द्वारा बात ही बात में मारपीट के दौरान दुकानदार ने रॉड से सर पर वार कर दिया, जिससे एक युवक के सर पर गहरी चोट लग गई। साथ ही चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे परिजनों द्वारा बाढ़ के पानी से प्रभावित तरया अस्पताल न जाकर आनंद फानन में मशरक PHC में भर्ती कराया गया, जिसे ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार भारती ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में परिजनों द्वारा मनीष कुमार यादव समेत 4 को आरोपित करने की बात बताई। मशरक से हरि किशोर सिंह की रिपोर्ट। झगड़ा तरैया में हुआ टिकट बनाने के संबंध में, टिकट फर्जी टिकट काटने के संबंध में। टिकट काउंटर मनीष कुमार यादव, इन्होंने फर्जी टिकट राजा परवेज को काटा और काट कर उन्होंने दिया। और एक लड़के ने छपरा ट्रेन गया, वहाँ पे टिकट देखा तो इन लोगों को बोला कि टिकट फर्जी है, तो इन लोगों ने वापस आया और पैसा मांगा तो उन्होंने मारपीट किया। कहाँ की घटना है? तरैया। आपका नाम? मेरा नाम कुर्सी दालम। कब की घटना है? घटना आज ही की। अच्छा, जिसमें घायल है उनका क्या नाम है? राजा परवेज। पिताजी का नाम? उनका अहमद कादरी।